नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी सीएसआईआर इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जो नागपुर में है। वहां पे जॉब की कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसमें कि बीएससी, एमएससी और बीटेक वाले भी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। टुडे आई टॉक अबाउट सम टेम्पररी रिसर्च पोजीशंस एट नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एनवायरमेंटलिस्ट एट बीएससी और एमएससी और बीटेक इन्वायरमेंटल साइंसेज और इंजीनियरिंग आर एलिजिबल। द लास्ट डेट फॉर दिस एप्लीकेशन इज 8th of December। एंड आई विल ऑल्सो गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हियर इट इज, एंगेजमेंट फॉर आर एंड डी प्रोजेक्ट स्टाफ थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू and applications for eligible and interested candidates are invited for engagement of R&D project staff via online interview through Microsoft Office Teams. तो Microsoft Office Teams interview होगा और most probably वो लोग आपको link भेजेंगे interview के लिए। For the following purely temporary positions of project assistant, three numbers, तीन project assistant की position है और दो project associate की position है under the sponsored and consultancy project tenable at CSIR NEERI HZ सी, मतलब हैदराबाद जोनल सेंटर, हैदराबाद में पोजीशन होगी, हैदराबाद में काम होगा। नेम ऑफ द पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट, थ्री एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बीएससी केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। तो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप बीएससी भी हैं तो आप इन पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 50 है और मंथली सैलरी है 20,000 प्लस एचआरए। तो सिर्फ बीएससी के लिए यह सैलरी प्लस एचआरए काफी अच्छा है और इंक्रीमेंट भी देंगे 15% फॉर 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और फॉर सच रिविजन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये इनका रूल है। प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए दो पोजिशन है और एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस या केमिस्ट्री या मेट्रोलॉजी या एटमोस्फेरिक साइंसेस या जियोलॉजी। तो आप एमएससी होना चाहिए इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी या एटमोस्फेरिक साइंसेस या जियोलॉजी में, तो दो पोजिशन है और आप अप्लाई कीजिए। और सैलरी है 31,000 प्लस एचआरए टू स्कॉलर्स हुआ सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट, अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो अगर आपने नेट या गेट इस तरह का कुछ भी एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपकी सैलरी होगी 31,000 प्लस एचआरए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने कोई खास स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे कि नेट या गेट ये सब क्वालिफाई नहीं किया है, सिर्फ एमएससी है, तो 25,000 प्लस एच आर ए होगा, 25,000 प्लस एच आर ए होगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू एमएस टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू ईमेल। ऑल प्रोजेक्ट स्टाफ पोजीशंस आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड विल बी को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म, पोजीशन खत्म। हाउएवर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट स्टाफ हु हैव सर्व्ड सीएसआईआर नीरी और एनी अदर लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट ऑफ सी एस आई आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर एंड डी प्रोजेक्ट वुड बी अलाउड टू एक्सीड 5 ईयर ड्यूरेशन। और किसी भी हाल में आपका जो आपकी जो ये नौकरी है ये 5 साल से ज्यादा की नहीं होने वाली है। अपर एज लिमिट शैल बी रेकन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन की जो आखिरी डेट है उस डेट तक आपकी अपर एज लिमिट जो भी है 50 ईयर्स है या 50 ईयर्स है, फिर 35 ईयर्स है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फी। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है तो बहुत अच्छा है, अप्लाई कीजिए। Only those candidates who have acquired the essential qualification and result has been declared should have at least provisional certificate are eligible to apply for a particular position. तो आपने MSc, suppose आप appearing candidate हैं, आपने MSc का एग्जाम दे दिया है और आपके पास ओरिजिनल नहीं लेकिन प्रोविजनल मार्कशीट भी है अगर आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट होनी चाहिए। रिजल्ट्स अवेटेड, फाइनल सेमेस्टर अपीयर और पीएचडी सबमिटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप रिजल्ट अवेट कर रहे हैं एमएससी का या पीएचडी का, तो एमएससी का तो आप एलिजिबल नहीं है। फाइनल सेमेस्टर एंड रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट्स अप्लाई ना करें जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है और कम से कम प्रोविजनल की सर्टिफिकेट है आपके पास एग्जाम पास करने का, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वेयर रिक्वायर्ड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट आफ्टर अक्वायरिंग मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। डिसर्टेशन और थीसिस वर्क कंडक्टेड ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। सो इफ यू हैव डन एनी एमएससी डिसर्टेशन और इंटर्नशिप दैट विल बी नॉट काउंटेड एज एक्सपीरियंस। योर वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड ओनली आफ्टर एमएससी और बीएससी।
तो एमएससी या बीएससी पास करने के बाद जो आपने काम किया वही वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। टाइम स्पेंड इन अक्वायरिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस ओवर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर बीएससी है या बीटेक है और उसके ऊपर आपने 2 साल का एमएससी या एमटेक किया है तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट कर लेंगे। ठीक है, मेयर फुलफिलिंग ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट इन अ कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और सिर्फ आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो आपका पूरा क्वालिफिकेशन देखेंगे कितने कौन कौन कितने क्वालिफाइड है उस हिसाब से वो कॉल करेंगे। इफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर अबव एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो बहुत ज्यादा अगर एप्लीकेशन उनके पास आएगी तो जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस उनको लगेगा उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। इन्फॉर्मेशन फॉर विच विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल अंडर रिक्रूटमेंट टैब ऑन द वेबसाइट www.neeri.res. No upgradation of the project staff shall be done in the same or new project. However, candidates have to apply fresh and if shortlisted, may have to appear for an interview. और जितनी बार आप अलग अलग पोजिशन के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको हर बार अलग अलग इंटरव्यू देना होगा। CSIR NEERI reserves the right to cancel or withdraw the offer of engagement in any case of any discrepancy found in the candidature of any impaneled candidate at any stage. और अगर कुछ आपके सर्टिफिकेट्स में या कुछ उनको कुछ भी शक हुआ कि कुछ गलत है या व्यवहार में कुछ, तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकती हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन विद द विद इन टाइम फ्रेम मेंशन इन द ऑफर लेटर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन। ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा उसमें लिखा होगा कि 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना है या हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना है या इस डेट को ज्वाइन करना है और तभी आपको ज्वाइन कर लेना होगा। एंगेजमेंट अंडर द न्यू प्रोजेक्ट वुड बी मेड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली कम्प्लीटेड नो डिमांड सर्टिफिकेट एंड नो ड्यू सर्टिफिकेट and the submission of resignation from the previous project to administration through concerned staff, scientist and head. पहली कोई नौकरी है तो वहां से लीविंग मांग लीजिएगा। एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ विल डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट टेन्योर रिक्वायरमेंट। और काफी सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे सब पढ़ने लगेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा ये तो इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम है एंगेजमेंट फॉर आर एंड डी प्रोजेक्ट थ्रू स्टाफ थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू, ये वाला प्रोजेक्ट है और इसकी लास्ट डेट है 8th ऑफ दिसंबर। ओके,